वेलकम बैक डियरेस्ट पेरेंट्स ऑन इन द चैनल ज्योग्राफी ऑप्शनल बाय आदित्य. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी आवर सेकेंड टॉप लेसन ऑन पॉलिटी. इन द वेरी फर्स्ट लेसन ऑफ द पॉलिटी वी डिस्कस्ड अबाउट द सिलेबस दैट वी आर गोइंग टू कवर एंड वी डिस्कस्ड सम वर्क दैट यू हैव टू डू विथ मी. ओके, तो आपके कुछ कार्य मैंने बताए थे पिछले वीडियो में जो आपको करने हैं रेगुलरली. आपको ये ध्यान रखना है कि आपको न्यूज़पेपर पे ध्यान रखना है और वही जो मैंने पॉइंट्स वहाँ पे बताए थे आपको उस पर ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि ये पॉलिटी समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और आज का जो हमारा ये लेक्चर है हम बात करेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है हमारे पॉलिटी के विकास का. देखिए, आज जो संविधान आप जिस रूप में देखते हैं ये संविधान एकाएक नहीं बना है और इसके जो विभिन्न पार्ट्स हैं वो काफ़ी सदियों से, मतलब कई सालों से, कई दशकों से हमारे देश में धीरे धीरे क्या हुए हैं, इवॉल्व हुए हैं और धीरे धीरे वो चीज़ें, मतलब ये हमारे भारतीय समाज में, राजनीति में, ठीक है, आई हैं चीज़ें वो, उसके बाद जाकर के फिर हमारा जो है संविधान बनकर तैयार हुआ है, ठीक है. तो ये एक बहुत ही लंबी जर्नी रही है और उस जर्नी में विभिन्न जगहों पे विभिन्न चीज़ों ने जो है संविधान के निर्माण में योगदान अपना दिया है. तो आज का जो आप देखते हैं संविधान का रूप, ये अलग है. अलग इसलिए है क्योंकि इसमें अलग अलग जगहों से अलग अलग लोगों ने कई तरीके से अपना योगदान किया, अलग अलग समयों में किया और आज ये संविधान हमारे सामने है. दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और हम गर्व से कहते हैं कि हमारे संविधान जैसा दुनिया में कहीं कोई संविधान नहीं है. ये एक ऐसा संविधान है जो ना ही बहुत कठोर है ना ही बहुत लचीला है, मतलब एक बहुत ही अच्छा संविधान है जो भारत के सामाजिक परिदृश्य की बात करें, राजनीतिक परिदृश्य की बात करें, आर्थिक परिदृश्य की बात करें, तो ये विभिन्न सांस्कृतिक परिदृश्य की बात करें तो ये विभिन्न आयामों को जो अपने अंदर समेटता है, एक बहुत ही बेहतर संविधान का निर्माण किया गया है हमारी संविधान सभा द्वारा. तो कैसे इस संविधान के विभिन्न पक्षों का देखा जाए तो विकास हुआ है, हम उस पर चर्चा आज करेंगे. तो बात करते हैं हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है और इस पर हम दो चार लेसन करेंगे क्योंकि ये लंबा थोड़ा टॉपिक है और हम इस चीज़ को अच्छे से कवर करेंगे क्योंकि ये जो आपका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है ये सिर्फ आपका पॉलिटी का ही पार्ट नहीं होता है बल्कि ये चीज़ें आपको मॉडर्न इंडिया, आप जब हिस्ट्री पढ़ते हैं मॉडर्न इंडिया की तो उसमें भी आपको ये इक्वली क्या करता है, काम आता है. तो अगर आप यहाँ पे चीज़ें पढ़ रहे हैं तो यही चीज़ें आपको वहाँ पे भी मिलेंगी, इसलिए आप इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ें. एक तरफ से आप ये भी समझ सकते हैं कि इस समय जो पार्ट चल रहा है पॉलिटी का, एक तरफ से आपका मॉडर्न इंडिया भी इसमें कवर हो रहा है, ठीक है. तो आइए बात करते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की. तो सबसे पहले मैं बात करूँगा आपसे कि हमारे देश में आप जानते हैं कि विभिन्न जो विदेशी लोग आए और यहाँ पे, मतलब इस पर आक्रमण किया देश पर और कुछ बस भी गए यहाँ पे और वो यहीं के हो गए, फिर भारत की मिट्टी में रंग बस गए, ठीक है. तो वो पूरी तरह से भारतीय हो गए, भारत की संस्कृति को अपना लिया उन्होंने. लेकिन कुछ ऐसे भी रहे हैं जो आए और ऐसा वो नहीं कर पाए और भारत को केवल एक तरफ से देखा जाए तो अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते रहे वो, और उसके अपने देश के हित के में उसका इस्तेमाल किया, भारत का हमेशा इस्तेमाल किया, भारत को खोखला बनाया. और इसमें अगर सबसे पहला किसी का नाम आता है जो सबसे ज़्यादा जिसने शोषण किया तो आप सभी लोग जानते हैं वो अंग्रेज़ थे, ठीक है. तो ऐसा हम जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है हमारे देश में 17वीं सदी में आई थी, 1608 ईस्वी के आसपास. तो हम जानते हैं कि लगभग 1757 जो कि प्लासी का युद्ध है, एक अलग ही वहाँ से एरा स्टार्ट होता है मॉडर्न इंडिया का. तो हम जानते हैं कि 1757 ईस्वी के पहले तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो आपकी बिल्कुल एकदम व्यापारिक कंपनी थी, उसे किसी भी चीज़ से मतलब नहीं था, भारत में लैंड वगैरह किसी भी चीज़ से ज़्यादा मतलब नहीं था क्योंकि उस समय भारत में देखा जाए तो शासन भी मजबूत था, मुगल काफ़ी मजबूत थे उस समय, ठीक है. लेकिन उसके बाद चीज़ें बदलती हैं, जब प्लासी का वार होता है तो फिर बक्सर का वार होता है, फिर चीज़ें बदलना शुरू हो जाती हैं धीरे धीरे. क्या करती है कंपनी, अपना जो हस्तक्षेप है वो राजस्व मामलों में बढ़ाना शुरू करती है, दीवानी मामलों में बढ़ाना शुरू करती है, ठीक है. मतलब अब धीरे धीरे वो भारत के शासन में क्या करना शुरू कर देती है, इंटरफेयर करना शुरू करती है, ठीक है. और इसके बाद क्या होता है कि हम देखते हैं कि जब एक कंपनी इस तरह के राजस्व मामलों में हस्तक्षेप करती है तो कंपनी के जो कर्मचारी हैं, ठीक है, वो और कंपनी जो है कंपनी कर्मचारियों को क्या होता है कि वो विभिन्न जो शासक हमारे देश में उस समय शासक कर रहे थे विभिन्न राजवाड़ों पे, तो उसमें क्या होता था कि जो कंपनी के जो अधिकारी होते थे वो उनसे रिश्वत लेते थे, उनसे उपहार ढेर सारा लेते थे. तो इससे ये हुआ कि वो धीरे धीरे क्या होते, बहुत अमीर होते गए, ठीक है, उनके पास दौलत बहुत ही ज़्यादा इकट्ठी होती गई. तो ये चीज़ें जब इंग्लैंड के निवासियों, इंग्लैंड के लोगों ने देखा कि ये जो भारत में जाके जो है कंपनी जो है कार्य कर रही है, और चूंकि कंपनी को व्यापार का एकाधिकार था इसलिए कोई कंपनी और भी इंग्लैंड से आकर यहाँ पे व्यापार नहीं कर सकती थी. और आप जानते हैं कि बाकी कंपनियाँ जो देसी कंपनियाँ थी, चाहे फ्रांस हो चाहे डच हो, ठीक है, उनको तो ये अंग्रेज़ों ने बिल्कुल मारपीट के भगा दिया समझ लीजिए आप, तो ज़्यादा वो डोमिनेंस नहीं कर पाए. लेकिन अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी ये काफ़ी डोमिनेंस थी,
डोमिनेंट की इसने, और जो इसके कर्मचारी थे इस तरह से रिश्वत और उपहार ले लेके क्या है खूब पैसा कमाया इन्होंने। तो जब इन चीज़ों को जब ब्रिटेन के देशों में, मतलब ब्रिटेन में देखा गया, वहाँ के लोगों ने देखा कि ये लोग जो है भारत जाते हैं और खूब कमा के आते हैं, तो उनमें एक असंतोष की भावना आई कि ये इतना कमा रहे हैं हम क्यों नहीं कमा रहे हैं, ठीक है, ये इतना कमा रहे हैं हम क्यों नहीं कमा रहे हैं, मतलब हमें भी पैसे कुछ चाहिए, ठीक है। ये सब भावनाएं भी उनके अंदर धीरे धीरे आना शुरू हुई। अब फिर इधर आपका भारत में एक चीज़ समस्या एक ये उभरी कि देखेंगे तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हो रही थी, मतलब देखा जाए अगर पूरी तरीके से तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे वही अमीर हो रहे थे, ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि ये बिल्कुल भ्रष्टाचार का मामला था जिस प्रकार आप आज देखते हैं। तो भ्रष्टाचार वो कर्मचारी कर करके क्या करते थे, बहुत ही ज़्यादा लाभ कमा लेते थे और कंपनी का उसमें नुकसान हो जाता था। अब जब कंपनी का नुकसान होने लगा तो एक समय ऐसा है कि कंपनी में जो है घाटा शुरू होने लगा, मतलब कंपनी घाटे में जाने लगी। तो कंपनी जब घाटे में जाने लगी और कंपनी अपने कर्मचारियों पर नियंत्रण बहुत ज़्यादा नहीं रख पा रही थी, रिश्वतखोरी उनका कम नहीं हो पा रहा था, भ्रष्टाचार कम नहीं हो रहा था, तो जब कंपनी घाटे में जाने लगी तो उसके बाद क्या हुआ कि कंपनी को कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। अब जब कंपनी को कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ी तो उसके बाद क्या हुआ, इसने ब्रिटिश सरकार से जो है इसके बारे में कहा कि मुझे मतलब कुछ मदद करें, आप आर्थिक मदद करें, हम आपकी देश की कंपनी हैं, हम आप ही का वहाँ पे क्या कर रहे हैं, सब फैला रहे हैं, आप ही के देश की मतलब ब्रिटेन का ही वहाँ पे सब आधिपत्य हम जमा रहे हैं, तो आप हमें कुछ हेल्प करिए। तो जब कंपनी ने हेल्प जब कंपनी को ब्रिटिश सरकार ने हेल्प करने के लिए कहा, तो देखिए इसी आलोक में जब कंपनी को ब्रिटेन सरकार ने हेल्प करने के लिए कहा तो इसी आलोक में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का जो है प्रावधान आता है। मतलब मैंने आपको अभी पृष्ठभूमि समझाई है कि क्यों रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का एक्ट आया। देखिए कंपनी को जब जरूरत महसूस हुई कुछ पैसों की तो उसके बाद उसने ब्रिटिश सरकार से क्या मदद मांगी, तो उसके आवाज़ में ब्रिटिश सरकार ने कहा ठीक है हम तुम्हें पैसे देंगे लेकिन उसके बदले हमें कुछ नियंत्रण चाहिए, हम हस्तक्षेप करेंगे तुम्हारे चीज़ों में, हम तुमको ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तुम करते क्या वहाँ पे, ठीक है, कितना कमाते हो, कितना खर्च करते हो। तो इस तरह से कंपनी के ऊपर ये पहला रेगुलेट करना शुरू किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये पूरी पृष्ठभूमि आपको समझाई कि क्यों ऐसा कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 क्यों आया, ठीक है। तो ये था हमारा पृष्ठभूमि और आज ये कुछ बात कर लेते हैं हम कि MN राय जिसे जिनका नाम है मनबेंद्रनाथ, ठीक है, मनबेंद्रनाथ फुल फॉर्म है इनका, मनबेंद्रनाथ राय ने क्या किया, ये जो थे फाउंडर ऑफ मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, ये मैक्सिको आप जानते ही कहाँ है, ये मैक्सिको में एक साम्यवादी पार्टी के मतलब संस्थापक थे, ठीक है, फाउंडर ऑफ मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना इन्होंने की, ठीक है। तो भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की, इन्होंने की। तो ये MN राय ने ही जो राव ने ही 1934 में भारत के संविधान निर्माण का सुझाव दिया था, मतलब इससे पहले किसी ने भारत के संविधान निर्माण का सुझाव नहीं दिया था, तो इन्होंने 1934 में भारत को एक संविधान के निर्माण का सुझाव दिया था कि भारत का एक अपना संविधान होना चाहिए, ठीक है। तो ये पहली बार हमारे आलोक में आता है कि संविधान की जरूरत भारत को पड़ी उस समय, अब भारत ने जो है आगे इस विचार को जो है अपने संविधान बनाते वक्त ध्यान में रखा, मतलब इससे संविधान का निर्माण हुआ इस विचार से। अब बात करें अगर तो स्वतंत्रता के साथ ही भारत में एक संविधान की आवश्यकता भी महसूस हुई जिसके कारण इनका जो विचार था इनका जो सुझाव था उसका महत्व क्या हो गया, बढ़ गया। तो एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई और पूर्ति के लिए 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया गया और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान अस्तित्व में आ गया। आप सभी जानते हैं कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और इसका संविधान सभा जो संविधान बनाने के लिए गठित हुई थी वो 1946 में बनी। और ये हमारी जो रही शुरुआती पृष्ठभूमि रही कि कैसे संविधान का गठन हुआ और कंपनी के बारे में हमने कुछ शुरुआती पृष्ठभूमि बनाई कि किस प्रकार से कंपनी जो है कंपनी के ऊपर जो है ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण शुरू हुआ। तो कंपनी का शासन देखिए 1773 से 1858 तक माना जाता है। इसके बाद क्या होता है कि 1857 में जब ये विद्रोह होता है आपका, 1857 की जब क्रांति होती है, तो उसके बाद कंपनी का जो शासन था सीधे ताज के हाथ में चला जाता है, मतलब कि क्राउन के हाथ में चला जाता है, अब कंपनी वहाँ पे शासन नहीं करती है। तो इसलिए जो कंपनी का शासन है आप ध्यान रखेंगे 1773 से 1858 तक है। तो ये थी हमारी कुछ पृष्ठभूमि, आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आइए बात करते हैं हम अलग अलग, तो रेगुलेटिंग एक्ट की बात कर लेते हैं हम। देखिए इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने सर्वप्रथम मतलब कि प्रथम बार, मैंने आपसे बताया प्रथम बार क्या किया, कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने के लिए कदम उठाया। जब वो पैसे मांगने गए भाई हमें कुछ आर्थिक मदद दीजिए, हमें मदद चाहिए, तो उन्होंने कहा ठीक है मदद देंगे लेकिन हम भी आपके इन कार्यों में क्या करेंगे, नियंत्रित और नियमित करेंगे, हम देखेंगे चीज़ों को कि आप कैसे कार्य करते हैं, ठीक है।
तो उन्होंने पहली बार आप ध्यान रखेंगे 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के द्वारा जो है प्रथम बार ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के कार्यों में जो है हस्तक्षेप किया, उसको नियमित और नियंत्रित करने का कार्य किया। ठीक है, इसके द्वारा ही भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। सर्वप्रथम अगर भारत में केंद्रीय प्रशासन की कहीं नींव पड़ी तो वो क्या थी, भारत में, क्योंकि इससे पहले आप देखेंगे तो भारत में जो है मतलब हम आधुनिक भारत की बात करें अगर तो उसमें विभिन्न राजवाड़े अपना बटे हुए हैं, कोई भी मतलब एक दूसरे से मिला नहीं है, किसी एक देश की संकल्पना कहीं नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो एक केंद्रीय प्रशासन मतलब एक ब्रिटिश जितना भी भूभाग ब्रिटिश का है उसको क्या है, एक सेंटर के हाथ में सीधे सीधे मतलब एक केंद्रीकृत व्यवस्था के अंतर्गत लाया गया प्रथम बार, ध्यान रखेंगे आप इस बात को। और इस अधिनियम के द्वारा प्रथम बार कंपनी के प्रशासनिक तथा राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली कि ठीक है कंपनी भर्ती कर सकती है, कंपनी अपने अधिकारियों को रख सकती है, अधिकारी जो उसके क्या होंगे मतलब कार्य कर सकते हैं विभिन्न क्षेत्रों में, उनके उनको अधिकार होगा, और कंपनी का कंपनी को राजनीतिक कार्यों मतलब कंपनी के जो राजनीतिक कार्य थे उनको भी मान्यता मिली कि ठीक है कंपनी अब प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य में जो है बिल्कुल इसको मान्यता मिल गई। ठीक है, इस बात को आप भी ध्यान रखेंगे, प्रथम बार कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को जो है मान्यता मिली कि ये ब्रिटिश क्राउन की तरफ से ये जो कार्य करेंगे ये बिल्कुल राजनीतिक तौर पे ये काम यहाँ पे कर सकते हैं भारत में। ठीक है, अब बात करें कुछ विशेषताओं की, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की क्या विशेषता थी उसके बाद उससे चर्चा कर लेते हैं। देखिए सबसे पहली बात जो विशेषता थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की वो ये थी कि बंगाल के गवर्नर को, ठीक है, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इस बात को ध्यान रखेंगे कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ही पहली बार बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया, और बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो क्या थे, वारेन हेस्टिंग्स थे। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे, ये सब क्वेश्चन आते हैं मैंने देखा है, तो आप इसको फैक्ट के तौर पर बिल्कुल याद रखेंगे। और मैं बता दूं आपको कि बंगाल के गवर्नर की बात करूं तो सबसे पहले जो बंगाल के गवर्नर थे वो थे लॉर्ड क्लाइव, ठीक है, क्लाइव जो थे बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। और एक बात का यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि जो मान लीजिए किसी अगर अधिनियम में चेंजेस हो रहा है कि बंगाल का गवर्नर अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाएगा, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि जो गवर्नर जनरल बनेगा नया वही पहले पुराना वाला क्या रहता है, गवर्नर रहता है। तो अंतिम अगर गवर्नर जनरल की बात करें तो वारेन हेस्टिंग, और प्रथम बंगाल के गवर्नर जनरल की बात करें तो वारेन हेस्टिंग, मतलब दोनों सेम होंगे। ठीक है, और साथ ही साथ जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उनकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, जिसमें 1 सदस्य गवर्नर जनरल थे और साथ ही साथ 4 सदस्य उसमें अलग से थे, और इनका कार्यकाल जो होता था वो 5 वर्ष का होता था। ठीक है, मतलब जो गवर्नर जनरल थे उनकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद की जो है वहाँ पे स्थापना किया गया, जिसमें 5 सदस्य कुल थे और 1 सदस्य जो है गवर्नर जनरल खुद थे बंगाल के, और बाकी 4 सदस्य अलग से उनकी सहायता के लिए, और इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता था। अब बात करें अगर तो इसके अंतर्गत मद्रास बम्बई के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन किया गया, विषय क्या थे स्पष्ट नहीं था। देखिए शुरुआती दौर में क्या था कि जो 3 प्रांत जो थे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के जो 3 प्रांत ही थे वो मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी। तो जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी ये सबसे बड़ी थी, मतलब सबसे ज़्यादा अगर आय का स्रोत कहीं था तो वो बंगाल प्रेसिडेंसी में था। तो इस कारण जो है यहाँ पे आज इस अधिनियम के अंतर्गत क्या किया कि बंगाल के अंतर्गत बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उनके अंतर्गत बम्बई के और मद्रास के गवर्नर जनरल को ला दिया गया कि भाई आप अब जो हैं इनके अंतर्गत रह के काम करेंगे, अब आपको जो बंगाल का गवर्नर जनरल आदेश देगा वो काम आप करेंगे, बाकी जो आप अपने मन से करते थे वो अब नहीं करेंगे। ठीक है, तो विषय क्या था लेकिन स्पष्ट नहीं था कि किस विषय के अंतर्गत मद्रास और बम्बई के गवर्नरों को गवर्नर जनरल बंगाल के गवर्नर जनरल के अंतर्गत लाया गया है। ठीक है, वो विषय क्या थे, वो विषय स्पष्ट नहीं थे। ठीक है, और आप ध्यान रखेंगे कि प्रथम बार कलकत्ता के लिए उच्च न्यायालय का गठन का प्रावधान किया गया, मतलब इसी अधिनियम में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता के लिए एक उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया। इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि आज का हमारा जो उच्चतम न्यायालय मतलब कि सुप्रीम कोर्ट है ये उस तरह का नहीं है, ये बस एक वहाँ पे एक न्यायालय था जिसका नाम उच्चतम न्यायालय था, और इसका काम जो था वही वहाँ के कलकत्ता के आसपास के जो मतलब मामले होते थे उनका निपटारा करना। ठीक है, तो कलकत्ता के लिए उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया जो कि 1774 में गठित हुआ, मतलब 73 में प्रावधान किया गया, 74 में इसका गठन हुआ, और इसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे, वो थे एलियाज इम्पे, सर एलियाज इम्पे। इसको आप ध्यान रखेंगे कि प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश थे वो सर एलियाज इम्पे थे, और साथ ही साथ इनके 3 और अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है, साथ ही साथ इनके 3 और न्यायाधीश थे। अगले फैक्ट्स की बात करें तो ब्रिटिश सरकार कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी कंपनी की गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण मजबूत हो गया। ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी जो कंपनी के जो डायरेक्टर्स थे
ठीक है, जो कंपनी की गवर्निंग बॉडी थी, जो कंपनी को चलाने का कार्य करती थी। अब ब्रिटिश सरकार का जो उनके ऊपर मतलब कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर नियंत्रण हो गया। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वे हैं जो कंपनी को नियंत्रित कर रहे हैं और उनको नियंत्रित कर रही है ब्रिटिश सरकार। इसका मतलब कि अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट देखा जाए तो कंपनी के ऊपर ब्रिटिश सरकार का क्या होगा, नियंत्रण यहाँ पे मजबूत होना शुरू हो गया। ठीक है, अब आइए बात करें आगे। तो इसे भारत में राजस्व, सैन्य मामलों तथा नागरिक की जानकारी ब्रिटिश शासन को देना अनिवार्य हो गया। मतलब कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, इनका कार्य क्या था कि भारत में जो वो राजस्व मामले हैं और जो सैन्य मामले हैं, ठीक है, और जो नागरिक मामले हैं, इन सभी मामलों की जानकारी किसको देंगे, वो ब्रिटिश शासन को देंगे। ठीक है, तो ये ब्रिटिश शासन को राजस्व, सैन्य और नागरिक मामलों की जानकारी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से मिलनी शुरू हो गई। और इस अधिनियम में क्या किया गया कि कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने, ठीक है, तथा उपहार या रिश्वत लेने से प्रतिबंधित किया गया। मैंने आपको शुरुआती पृष्ठभूमि में ही बताया कि कंपनी जो है धीरे धीरे दिवालिया होने की स्थिति में आ गई थी, उसमें जो है पैसे की कमी हो गई थी। ऐसा क्यों? क्योंकि जो कंपनी के निजी कर्मचारी, जो कंपनी के कर्मचारी थे, वो निजी व्यापार करते थे और साथ ही साथ जो है वो रिश्वत लेते थे, उपहार लेते थे, और जो कि कंपनी को उससे फ़ायदा नहीं होता था, उनका एक व्यक्तिगत फ़ायदा होता था, जिस कारण कंपनी को नुकसान हुआ। तो पहले इस काम को जो है बंद किया गया, कंपनी में जो कर्मचारी थे वो इस तरह के कार्यों को करने के लिए प्रतिबंधित थे, ठीक है, कि इस तरह के कार्य नहीं कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, चूँकि ये फर्स्ट अपने काइंड का है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखेंगे। जो फैक्ट्स हैं फ्रेंड्स, वो आपको याद करने ही पड़ेंगे। बस मैंने आपको समझाने के लिए, आपका एक इंटरेस्ट बनाने के लिए, चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग मोड में डालने के लिए मैंने एक अच्छे से पृष्ठभूमि को बता दिया कि क्यों क्यों ये चीज़ें हुई, क्यों ये चीज़ें शुरू हुई। ठीक है, आइए बात करते हैं आप 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट की बात करते हैं। देखिए, ये जो पिट्स हैं, ये ब्रिटेन के वहाँ पे उस समय प्रधानमंत्री थे, ये ब्रिटिश पीएम थे, ठीक है, इन्हीं के नाम पे जो है पिट्स इंडिया एक्ट आया, क्योंकि इन्होंने ही ये 1784 का जो है इंडिया एक्ट जो है लाया था। अब अगर बात करें हैं इस एक्ट के बारे में, तो क्या इसकी विशेषता है, देखिए सबसे पहली बात जो है इसकी पृष्ठभूमि देख लेते हैं। तो पृष्ठभूमि क्या देखते हैं, देखिए पहली बात ये है कि जो रेगुलेटिंग एक्ट था, ठीक है, उसमें कुछ कमी रह गई थी, जिसको दूर करने के लिए भी क्या था, जरूरी था कि कोई दूसरा एक्ट लेकर आया जाए। जैसे ब्रिटिश सरकार का कंपनी पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित नहीं हो पाया था, क्योंकि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में हम देखें तो बहुत ज़्यादा उसमें कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया गया था जिसके द्वारा जो है कंपनी पर प्रभावी नियंत्रण ब्रिटिश सरकार का स्थापित हो सके। बस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से इतना कहा गया, भाई आप सैन्य और राजस्व और नागरिक मामले में जो है सूचना देंगे ब्रिटिश सरकार को, ठीक है। और ये भी देखा जाए कि जो ब्रिटिश समाज के विभिन्न वर्गों के लोग थे, मैंने आपसे इससे पहले भी चर्चा की कि उन्होंने देखा कि कंपनी अकेले ही वहाँ पे व्यापार कर रही है, एकाधिकार है वहाँ पे, तो उनके अंदर असंतोष की भावना उत्पन्न हुई। वो चाहते थे कि हम भी जाकर व्यापार करें, हम भी धन और लाभ कमाएं वहाँ पे भारत में जाकर, तो इसलिए उनमें एक असंतोष की भावना उत्पन्न हुई। तो एकाधिकार समाप्त करने के लिए जो है वो ब्रिटिश शासन पर क्या कर रहे थे, दबाव डाल रहे थे ब्रिटिश सरकार पर, ठीक है। इस कारण भी एक सुधार के लिए जरूरत की यहाँ पे पृष्ठभूमि तैयार हुई, ठीक है। और जो तीसरी एक और बात थी जो मैं ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बात करना चाहूँगा कि 1783 ईस्वी में आप देखेंगे कि यूएसए के स्वतंत्र हो, मतलब यूएसए का जो उपनिवेश, जो ब्रिटेन का उपनिवेश था यूएसए में, वह स्वतंत्र होने लगा, ठीक है। और इससे क्या हुआ कि जो नीतियाँ थीं ब्रिटेन की कहीं ना कहीं उपनिवेशों के प्रति, उसमें बदलाव लाने की बहुत ही ज़बरदस्त आवश्यकता महसूस की गई। तो इस कारण भी यहाँ पे जो है अगले एक्ट की पृष्ठभूमि बन जाती है कि कोई अगला एक्ट लेकर आया जाए। अब बात करेंगे अगर हम 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट की, तो इस अधिनियम ने कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया। मतलब अब कंपनी व्यापार जो करेगी वो ठीक अलग है, और जो कार्य है वो अलग है। मतलब अब कंपनी में व्यापारिक कार्य और राजनीतिक कार्य दोनों अलग हो गए, ठीक है। अब वो कैसे कैसे अलग हों देख लीजिए आगे, कि इसमें 6 सदस्यीय नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। मतलब 6 लोगों का एक नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया, जिससे राजनीतिक मामलों का प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई। मतलब अब राजनीतिक कार्यों का जिम्मेदारी जो किसके ऊपर आ गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल पर आ गई, नियंत्रण बोर्ड पर आ गई, जिनमें 6 सदस्य थे, तथा व्यापारिक मामले जो थे निदेशक मंडल के हाथों में ही रहे। वे जो हम अब इससे पहले हमने बात किया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो निदेशक मंडल थे, गवर्निंग बॉडी ऑफ कंपनी, उनके ऊपर अब जो है केवल व्यापारिक मामलों को ध्यान में रखने, मतलब व्यापारिक मामलों के प्रबंधन की जिम्मेदारी आ गई। अब बाकी जो है 6 सदस्यीय नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था, तो इसके ऊपर जो है राजनीतिक कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी गई। अब बात करें अगर गवर्नर जनरल की परिषद में, तो सदस्यों की संख्या कम करके क्या कर दी गई, 4 कर दी गई, मतलब 1+3। इसके पहले वाले में क्या था, सदस्यों की संख्या 5 थी, जिसमें कि एक गवर्नर हुआ करते थे और साथ ही साथ 3 जो होते थे आपके पास वो गवर्नर को सहायता करने वाले जो हैं मतलब सदस्य उसके हुआ करते थे। तो अब बात करें अगर अगला, तो बॉम्बे और मद्रास
को देखिए, पिछले वाले हमने देखा था रिक्रूटिंग एक्ट में कि विषय जो थे क्लियर नहीं थे कि किस किस विषयों के अंतर्गत इनको लाया गया है बंगाल के गवर्नर जनरल के परिषद के अधीन। तो इसमें जो है क्लियर किया गया कि देखिए युद्ध कूटनीति एवं राजस्व के मामले बंगाल के गवर्नर जनरल की परिषद के अधीन रखा गया, ठीक है। तो इसमें जो कमियां रह गई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, उनको दूर करने का प्रयास किया गया, आप इनको देख लेंगे। आइए बात करते हैं आगे। तो इस अधिनियम में कंपनी के अधीन क्षेत्र, मतलब कि भारत में जो क्षेत्र थे कंपनी के, ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। देखिए ये भी अपने आप में बड़ा डेवलपमेंट है। पहली बार ब्रिटेन ने क्या किया, कहा कि भाई जो कंपनी के अधीन जो क्षेत्र हैं भारत में, वो ब्रिटेन का आधिपत्य है उस पर। मतलब आप कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली क्या कर रही है, ब्रिटिश सरकार भारत पे अपना शासन दिखा रही है कि मैं भारत पे शासन कर रही हूँ। मतलब वो कंपनी के माध्यम से भले ही कर रही हूँ, इनडायरेक्टली भले ही कर रही हूँ, लेकिन मेरा शासन जो है भारत पर है, ठीक है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। अब ब्रिटिश सरकार को कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। इससे पहले वाले एक्ट में क्या था कि पूर्ण नियंत्रण नहीं था, बस उसको राजस्व, सैन्य और नागरिक मामलों की जानकारी देनी थी ब्रिटिश सरकार को, निदेशक मंडल को, जो कंपनी के निदेशक मंडल थे उनको, ब्रिटिश सरकार को बस राजस्व, सैन्य और नागरिक मामलों की ही जानकारी देनी थी। लेकिन अब क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार क्या कही कि अब कार्यों पे, प्रशासन पे पूरा हम नियंत्रण रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये बड़ा डेवलपमेंट होता है। तो अब बात करते हैं हम 1833 के चार्टर एक्ट की बात करते हैं। तो देखिए इसमें कुछ और परिवर्तन होते हैं, जैसे कि बंगाल के जो गवर्नर थे उनको बदल दिया गया। अब उनको क्या कहा जाने लगा, उनको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। देखिए इस बात का आप ध्यान रखेंगे, बंगाल के गवर्नर जनरल अब भारत के गवर्नर जनरल कहलाने लगे। इसका मतलब ये है कि अब भारत में केंद्रीय की सत्ता का स्थापना हो रहा है। मतलब एक संपूर्ण भारत को अब एक एक नजरिए से देखा जा रहा है। जो ब्रिटिश क्षेत्र में, जो ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र है भारत में, उसको भी एक नजरिए से देखा जा रहा है कि एक केंद्रीकृत व्यवस्था के अंतर्गत ये सारे क्षेत्र आते हैं। मतलब एक तरह से देखा जाए तो भारत को एकीकृत करने की दिशा में ये पहला कदम था, ठीक है। चाहे वो भले ही ब्रिटिश आधिपत्य के क्षेत्रों को संगठित करने का हो। अगर हम बात करें कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिखा है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। अब देखिए मैंने आपसे पिछले वाले वीडियो में, मतलब पिछले एक्ट में बताया था कि जो बनेगा पहला भारत का, अगर गवर्नर जनरल अगर चेंज हो रहा है, तो कोई गवर्नर जनरल अगर बन रहा है तो जो पहला बनेगा वही उसके पहले का जो मतलब पोस्ट था बंगाल का गवर्नर जनरल, वो वही पिछला वाला ही वही रहेगा। मतलब मैं फिर से समझा देता हूँ। देखिए भारत का, देखिए बंगाल का गवर्नर जनरल पहले इसके पहले हुआ करता था। अभी इस अधिनियम के पहले क्या हुआ कि जो भारत का बंगाल का गवर्नर जनरल रहा वो क्या है, वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ही रहा। अब जब ये अधिनियम आया तो उसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक को ही प्रमोट करके अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। मतलब जो पहला होगा वही उसके पहले के पद का क्या होगा, आखिरी भी होगा, ठीक है। तो बंगाल का गवर्नर जनरल अंतिम कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। अब इस अधिनियम के अंतर्गत जो है कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया कि कंपनी अब जो है केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही ब्रिटेन की तरफ से जो है भारत में व्यापार नहीं करेगी, बल्कि ब्रिटेन से और भी लोग कोई भी कंपनी बना के या फिर कोई भी निजी व्यापार जाके कर सकता है। तो ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट था। अब कंपनी का यहाँ से जो है एक तरह से देखा जाए व्यापार पर जो है पकड़ यहाँ पर ढीली हो रही। और साथ ही साथ इस अधिनियम के द्वारा भारत में क्राउन को कंपनी के न्यासी के तौर पर काम करना होगा। मतलब अब जो है ये कंपनी एक तरह से समझे, मतलब कि जो कंपनी हो गई है वो क्राउन के अधिकार में है पूरी तरीके से। जो कंपनी कहेगी वही क्राउन जो जो कंपनी जो क्राउन कहेगा वही कंपनी जो है करेगी। मतलब अब सारे आदेश जो है कंपनी को क्राउन की तरफ से मिलेंगे। अब एक तरफ से देखा जाए तो उत्तराधिकारी या फिर समझ लीजिए आपकी एक कोई एजेंट होता है ना, जैसे जिस तरह एजेंट, उस तरह से अब यहाँ पे क्राउन की तरफ से कंपनी का कार्य हो गया, ठीक है। आइए बात करते हैं इसके बाद कि इसके द्वारा ऐसी सर्वप्रथम ऐसी सरकार का गठन किया गया जिसका ब्रिटिश भारत के संपूर्ण भूभाग पर पूर्ण नियंत्रण था। मैंने आपसे बताया कि अब बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल कहला रहा है। इसका मतलब जितने भी क्षेत्र हैं ब्रिटिश भारत के कंपनी में, कंपनी के ब्रिटिश भारत मतलब कंपनी के जितने भी क्षेत्र हैं अब वो ब्रिटिश भारत के क्षेत्र हैं, और ब्रिटेन की सरकार का उस पर क्या हुआ, पूरा का पूरा जो है नियंत्रण स्थापित हो गया। और एक और डेवलपमेंट है, बड़ा डेवलपमेंट है, इसे आप याद रखेंगे। पीटी में क्वेश्चन आते हैं यहाँ से कि गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी मामलों को पर सलाह देने के लिए एक अस्थायी सदस्य को शामिल किया गया जिसका नाम था लॉर्ड मैक काले। आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि इससे पहले कभी भी विधि बनाने को या फिर कानून बनाने के लिए या फिर कानूनी मामलों पर सलाह लेने के लिए
कभी भी किसी भी कानूनी अधिकारी का जो है, विधि अधिकारी का जो है, कहीं पे भी जिक्र नहीं मिलता है। इसका मतलब यह है कि इससे पहले जो गवर्नर जनरल की जो परिषद होती थी, वही सारे मतलब देखा जाए तो नियम कानून भी बनाती थी, उसे लागू भी करती थी और न्याय भी वही देती थी। ठीक है, अब ये कैसे हो सकता है जो नियम बनाए वही न्याय दे, ये कैसे हो सकता है? हाँ, मतलब एक तरह से देखा जाए तो वो अपने जैसे वो उनको जो अच्छा लगता था वो करते थे, मतलब जहाँ मन के नियम बना दिए, जहाँ मन के न्याय दे दिए, तो अपने हिसाब से चीज़ों को मैनिपुलेट करते थे वो। लेकिन सर्वप्रथम ऐसा हुआ कि अब क्या किया गया कि एक सलाह देने के लिए एक अस्थाई जो है विधि अधिकारी जो है लॉर्ड मैकाले, इनकी क्या की गई, नियुक्ति की गई गवर्नर जनरल की परिषद में। एक अस्थाई सदस्य थे, ध्यान रखेंगे आप, ये अस्थाई सदस्य थे, ये परमानेंट मेंबर नहीं थे। अब बात करें अगर तो बॉम्बे एवं मद्रास प्रांत से विधि निर्माण का अधिकार लेकर गवर्नर जनरल की परिषद को दे दिया गया। इससे पहले क्या था कि विधि निर्माण का जो अधिकार था वो बॉम्बे के पास था, मद्रास के पास अपना अलग अलग था, लेकिन अब जो विधि निर्माण किया जाएगा वो कौन करेगा, गवर्नर जनरल की परिषद करेगी, जो भारत की गवर्नर जनरल की जो परिषद है वो करेगी विधि निर्माण। अब बॉम्बे और मद्रास प्रांत के ये लोग नहीं करेंगे। जैसा आप इस समय अगर देख सकें तो जो केंद्र सूची का विषय होता है वो क्या, उसका उस पर विधि बनाने का हक अधिकार किसको होता है, भारत की संसद को। तो एक तरफ से ये क्या हो रही चीज़ें, अब देखें सेंट्रलाइज हो रही हैं, ठीक है, मतलब केंद्रीकृत व्यवस्था आ रही है यहाँ पे, ठीक है। अब अगला प्रावधान की बात करें अगर तो यह भी प्रावधान किया गया कि भारतीय प्रजा के साथ क्षेत्र, वर्ग, धर्म, मतलब लिंग और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। देखिए ये अपने आप में एक बहुत ही प्रगतिशील विचार था उस समय, हम देखें तो 1833 के चार्टर एक्ट में, तो बहुत ही प्रगतिशील विचार था और वो ये चीज़ें हमें अपने संविधान में भी नज़र आती हैं, ठीक है। चाहे आप आर्टिकल 17 ले लें अस्पृश्यता के मामले में, या फिर बहुत सी जगहों पर ये चीज़ें आपको नज़र आएंगी, तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे ही इस प्रावधान में ही सर्वप्रथम भारतीय प्रजा के साथ क्षेत्र, वर्ग, रंग, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, इसका प्रावधान किया गया, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप इसको ध्यान रखेंगे। और बात करें हम अगर अगले की, तो 1833 के चार्टर एक्ट ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता के आयोजन का प्रयास किया, मतलब इन्होंने सोचा कि क्यों ना सिविल सेवकों के परीक्षा मतलब चयन के लिए एक खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए, जिसमें कोई भी एग्जाम दे सके, कोई भी पास कर सके इसे और कोई भी अधिकारी बन सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, जो कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो निदेशक मंडल थे, उन्होंने विरोध किया कि नहीं, ऐसा अगर आप करेंगे तो इससे क्या होगा कि भारतीय भी मतलब हमारे सिस्टम में आना शुरू हो जाएंगे, जिससे कहीं ना कहीं समस्याएं हमारे लिए पैदा हो जाएंगी, हमारे अस्तित्व के लिए समस्याएं पैदा हो जाएंगी। तो सर्वप्रथम प्रयास किया गया यहाँ पे कि 1833 में जो है सिविल सेवक चयन के लिए जो है प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए, लिंक वो अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाया, ठीक है। तो दोस्तों आज का था ये हमारा वीडियो, आप मुझे बताएं कि कैसा लगा कमेंट सेक्शन में। और मैंने इसमें आपको तीन एक्ट के बारे में बताया, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, और मैंने 1833 के चार्टर एक्ट के बारे में आपको यहाँ पे बताया। और मैंने देखिए जितने भी पॉइंट आपको डिस्कस किए, सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको इन पॉइंट्स को ध्यान से याद करना है, और बिल्कुल भी याद करिएगा आप, क्योंकि ये पॉइंट्स ऐसे हैं जो एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। और साथ ही साथ मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि ये जो मैं बता रहा हूँ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ये आपको पॉलिटी में तो काम आते ही आते हैं, एज वेल एज ये मॉडर्न इंडिया में भी काम आते हैं, इसलिए आप जान लीजिए कि इनकी दोहरी भूमिका है। इसलिए बहुत ही ध्यान से आप इन्हें तैयार करिएगा, बिल्कुल चीज़ों को ध्यान से याद कर लीजिएगा, और उसके बाद अगर कोई समस्या आपको होती तो मुझे आप बताइए, बट आई होप कि आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दें कि आपको वीडियो कैसा लगा। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, कुछ आगे के और डेवलपमेंट जो है हम उस पर चर्चा करेंगे, फिर हम ताज के शासन पर चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी हम कंपनी के शासन पर चर्चा कर रहे हैं जो कि 1773 से 1858 तक था। इसके बाद हम ताज के शासन पर चर्चा करेंगे, और उसके बाद हम भारत के संविधान के निर्माण, संविधान सभा इत्यादि पर चर्चा करेंगे। तो चलिए तब मिलते हैं, तब तक हम आप अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।